चलिए बच्चों, तो चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, आज हम लोग पहुंच गए हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, पॉपुलेशन इंटरैक्शन को स्टडी करना है. ओके सो भाई, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है भाई? कोई भी नेचुरल हैबिटेट अगर आप देखते हैं, किसी भी टाइप का नेचुरल हैबिटेट, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ओके जो एक साथ रहते हैं, तो मेनी ऑर्गेनिज्म विच लिव टुगेदर इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, उससे जो ग्रुप बनता है उसे कहा जाता है कम्युनिटी, जो हमने शुरुआत में ही स्टडी कर लिया है बच्चों. ओके एंड दीज ऑर्गेनिजम्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, करेक्ट नो, भले उनको भाषा आती कि नहीं, और इंटरैक्ट भी करते हैं एक दूसरे के साथ. अब ये इंटरैक्शंस में अलग अलग टाइप्स होता है, प्यार मोहब्बत भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, जेलेसी भी होती है, इग्नोरेंस भी होता है. ओके तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स का किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से हमेशा इंटरेक्शन होता है. कुछ इंटरेक्शन तो बहुत ही यू कैन से यूनिक होता है. ओके गिव एंड टेक रिलेशनशिप का, कुछ में एकदम झगड़े वाला होता है, हमेशा यू कैन से बोल सकते हैं वॉर टाइप का रहता है, मतलब दुश्मनी टाइप का यू कैन से इंटरेक्शन रहता है. ओके और कुछ में शिकार शिकारी का इंटरेक्शन रहता है. तो ये सारे इंटरेक्शन जो है आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं. तो फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि प्लांट डिपेंड करता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी ज्यादा करके फ्लावरिंग प्लांट्स है वो इंसेक्ट्स पे डिपेंड करता है, और सबसे कॉमन इंसेक्ट होता है आपका बीस. किसके लिए भाई? पॉलिनेशन के लिए. और दोनों को इससे फायदा होता है, इंसेक्ट को भी प्लांट चाहिए, क्योंकि इन बीस को प्लांट्स के कौन से, प्लांट का कौन सा पार्ट, प्लांट के फ्लावर से नेक्टर मिलता है, और फ्लावर का ये काम हो जाता है कि उसके पोलन जो है वो दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो जाता है. तो ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट इन वेरियस वेज टू फॉर्म ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था. तो इंटरैक्टिंग, यू कैन सी व्हाट, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने वाले अलग अलग टाइप के, उससे बनता है एक समूह, इंटरैक्टिंग कम्युनिटी का. सो तो दो टाइप के इंटरैक्शन हो सकते हैं बच्चों, इंटर स्पेसिफिक, मतलब इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, जो बहुत ही कैन सी व्हाट इंपॉर्टेंट होता है. तो इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, जैसे लायन एंड टाइगर के बीच में इंटरैक्शन होता है, ये तो भाई दुश्मनी वाला टाइप का है. फिर लायन एंड आपका यू कैन से डियर के बीच में इंटरैक्शन होता है, ये भाई शिकार और शिकारी का इंटरैक्शन है. ओके अंडरस्टूड. सो तो यही इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन को हमको डिटेल में स्टडी करना है. दूसरा होता है आपस में, इंट्रा मतलब बिटवीन सेम, बिटवीन सेम, इंटर मतलब बिटवीन डिफरेंट, बिटवीन डिफरेंट. तो ये आपको देखो हमेशा याद रखना है. ओके या बिटवीन सेम या विद इन सेम, वो भी लिखते हैं विद इन सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के जितने मेंबर्स है ओके, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसको कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, जैसे डॉग will interact with another dog, cat या lion will interact with another lion, correct. और plants में भी अगर एक mango plant grow कर रहा है तो naturally वो बाजू वाले किसी दूसरे mango plant के साथ अगर interact कर रहा है तो वो interspecific हो गया. और अगर mango plant के बाजू में एक केले का पेड़ है तो ये दोनों भी एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे. ओके अंडरस्टूड. तो मेनली किसके थ्रू करते हैं कि भाई ये डिपेंड करता है कि ये दोनों प्लांट कितने नजदीक है, करेक्ट नो. चलिए अब टाइप्स ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस हम लोग देखते हैं. ओके क्योंकि इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो है उसी से कुछ जो आपके फिनोमेनास होते हैं, इंटरेक्शन होता है, उसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस. ओके तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका अपना अपना हैबिटेट होता है, अपना अपना निच होता है, और इसको मेंटेन करने के लिए इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस जरूरी होते हैं. और इसी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की वजह से ही अल्टीमेटली बहुत सारे रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है वो भी कंप्लीट होते हैं. चले द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस आर क्लासिफाइड एज पर द नेचर ऑफ दीज इंटरेक्शंस टू वन और बोथ द स्पीशीज, यानी कि भाई ये जो इंटरेक्शन होगा इससे कम से कम एक या दोनों में कोई ना कोई असर होना चाहिए, या तो पॉजिटिव असर होना चाहिए
नेगेटिव असर होना चाहिए या तो न्यूट्रल असर होना चाहिए। ओके, यानी कि किसी पॉजिटिव का मतलब होता है फायदा, मतलब बेनिफिट। अगर प्लस साइन दिया जाएगा तो वो बेनिफिट है, और अगर हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए नेगेटिव साइन है, और अगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। नो इफेक्ट मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। ओके, यानी कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को किसी इंट्रैक्शन से फायदा हो रहा है तो उसके लिए प्लस साइन, अगर नुकसान हो रहा है तो नेगेटिव साइन, और अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसे न्यूट्रल इंटरेक्शन कहते हैं। सो बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड, तो अगर दोनों स्पीशीज को किसी इंटरेक्शन से बेनिफिट हो रहा है तो उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअल मतलब गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अभी हर टॉपिक को हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और अगर दोनों को इसमें नुकसान हो रहा है तो वो कॉम्पिटिशन वाला केस होगा। ओके, यानी कि कुछ ऐसे इंटरेक्शन होता है जिसको पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन कहते हैं, यानी कि दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है, एक दूसरे से फायदा हो रहा है, और दोनों को अगर नुकसान हो रहा है, आज एक को नुकसान होगा कल दूसरे को नुकसान होगा, तो उसे कंपटीशन कहते हैं। ह्यूमन बिकॉज़ इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इतनी जो मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू विन इन अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन जो आगे आने वाले हैं। ओके, फिर पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में क्या होता है कि एक स्पीशीज को, एक पार्टनर भी बोल सकते हैं हम लोग, को बेनिफिट होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तो पैरासिटिज्म में जो है पैरासाइट उसको फायदा होता है और प्रेडेटर को प्रेडेशन में फायदा होता है। ओके, तो दोनों को पॉजिटिव बेनिफिट मिलती है, लेकिन इट इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, तो यह अल्टरनेट टर्म है हार्मफुल टू अदर स्पीशीज। तो अदर स्पीशीज पैरासाइट का इंट्रैक्शन होस्ट के साथ होता है और प्रेडेटर का इंट्रैक्शन प्रे के साथ होता है। तो इधर प्रेडेटर और प्रे, शिकार और शिकारी, प्रेडेटर हो गया शिकारी और प्रे हो गया उसका शिकार। तो शिकार और शिकारी के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि प्रेडेटर को फायदा हो रहा है, प्रे तो बेचारा मर जाएगा, वो फूड बन जाता है प्रेडेटर का। ओके, और पैरासाइट मतलब आपका परजीवी, परजीवी और जिसपे वो जगता है वो जीव। तो एक जीव पे जगने वाला, उसके बॉडी को यूज करने वाला, बॉडी में रहने वाला, ग्रो करने वाला, लेकिन हाँ यहाँ पे मौत नहीं होती है। तो पैरासाइट अगर इंटरेक्ट कर रहा है होस्ट के साथ तो वो ये इंश्योर करता है कि नेचुरली होस्ट को डैमेज नहीं होना चाहिए, ज्यादा इतना डैमेज नहीं होना चाहिए कि वो मर जाए, क्योंकि अगर वो मर गया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, वो प्रेडेशन टाइप का हो जाएगा। फिर ऐसे इंटरेक्शन को भी नाम दिया जाता है पैरासाइटॉइड कहते हैं उसको। तो एक ऐसा इंटरेक्शन कि पैरासाइट जब होस्ट को अटैक करता है या उसमें रहता है तो फाइनली होस्ट जो है वो अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है या उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड दूसरे को कुछ न फायदा होता है न तो नुकसान होता है, तो उसको कमेंसलिज्म कहते हैं। यानी कि एक पार्टनर को फायदा हो रहा है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, और फिर यू हैव गॉट अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को हार्म हो रही है और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको फायदा भी नहीं हो रहा है, नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो एक स्पेशल यू कैन सी व्हाट फीचर आप बोल सकते हो। इसका मतलब ओवरऑल अब अगर आप इंटरेक्शन की बात करोगे तो एक पार्टनर, यानी कि पार्टनर वन और पार्टनर टू, इनमें से या तो दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है, किसी एक को फायदा हो रहा है, किसी एक को नुकसान हो रहा है, या एक को नुकसान हो रहा है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के इंट्रैक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हर एक जो टाइप है उसका पहले रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल हर एक का ले लेंगे और फिर बाद में हम लोग स्टडी करेंगे हर टाइप को डिटेल में विद प्रॉपर एग्जाम्पल एंड उनके टाइप्स अगर हैं वो भी देख लेंगे। चलिए, तो जितने भी इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस हैं, तो ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किसी एक पार्टनर या दोनों पार्टनर को क्या बेनिफिट या नुकसान हो रहा है, तो उसके हिसाब से पहला टाइप है, दिस इज वन टाइप, एक है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म वो टाइप इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीशीज और दूसरे स्पीशीज को बिल्कुल एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दोनों को क्या है
कोई बेनिफिट या फायदा नहीं हो रहा है तो बोथ आर न्यूट्रल, जिसको न्यूट्रलिज्म कहते हैं। क्योंकि नेगेटिव इंटरेक्शन में मतलब क्या होता है, कम से कम किसी एक पार्टनर को, कम से कम किसी एक पार्टनर को क्या है आपका नेगेटिव वैकेंसी इंपैक्ट हो रहा है, ओके, और दूसरा पार्टनर या तो नेगेटिव होगा नहीं तो विदाउट एनी वैकेंसी व्हाट आपका इफेक्ट होगा। तो कंपटीशन जो है वो नेगेटिव नेगेटिव इंटरेक्शन टाइप का इंटरेक्शन है, ओके, एसोसिएशन। इन सब को देखो, इंटरेक्शंस को आप लोग एसोसिएशन भी कह सकते हो बच्चों, एसोसिएशन। तो अल्टरनेट टर्म फॉर दिस इंटरेक्शन इज एसोसिएशंस, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वैकेंसी वार्ड को इंटरेक्शन करता है, मतलब उनके बीच में कोई ना कोई एसोसिएशन है, वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। एसोसिएशन मतलब रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कुछ मेंटेन हो रहा है उनके बीच में, ठीक है। मतलब या तो झगड़े वाला, फायदे वाला, करेक्ट नो, किसी एक एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अलग अलग टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं, ओके। तो कॉम्पिटिशन डायरेक्ट इंटरफेरेंस टाइप का, या दूसरा होता है रिसोर्स यूज टाइप का। फिर अमेंसिलिज्म इज ऑल्सो ए नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन, जिसमें एक पार्टनर को नुकसान हो रहा है और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जीरो का मतलब होता है न्यूट्रल। मैंने पहले फिर से यहाँ पे भी इस चार्ट में भी आपको बता देता हूँ कि पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे होता है बेनिफिट, मतलब फायदा हो रहा है। नेगेटिव का मतलब होता है हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और जीरो का मतलब होता है नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं है, हार्मफुल भी नहीं है और आपका यू कैन सी व्हाट बेनिफिट भी नहीं है, ओके। तो उसको नो इफेक्ट कहते हैं, उसको न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं, भाई कोई भी यू कैन सी सिग्निफिकेंट फायदा या नुकसान नहीं। पॉजिटिव इंटरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन में आपका होता यह है कि दोनों पार्टनर या कम से कम एक पार्टनर को फायदा हो रहा है। उसमें है सिंबायोसिस, और उसमें भी देखो सिंबायोसिस इज जनरल टर्म, लेकिन म्यूचुअलिज्म इज ए वेरी स्पेसिफिक टर्म, तो दोनों में थोड़ा फर्क है। इसमें दोनों पार्टनर्स को देखो फायदा हो रहा है। कॉमनसेलिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और प्रोटो कोऑपरेशन में दोनों को फायदा होता है, ओके। फिर बोथ पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन, मतलब एक पार्टनर को फायदा हो रहा है, दूसरे को 100% नुकसान हो रहा है। उसमें है पैरासिटिज्म, जिसमें एक पैरासाइट है जिसको फायदा हो रहा है और दूसरा होस्ट है जिसको नुकसान हो रहा है। और प्रेडेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए है, क्योंकि यही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन को मेंटेन करता है। तो उसमें एक को फायदा हो रहा है शिकार को, और शिकारी को सॉरी, और दूसरे को नुकसान हो रहा है, मतलब शिकार को नुकसान हो रहा है। अब ये जो हम इंटरेक्शन अभी पढ़ रहे हैं, इसके हर इंटरेक्शन के कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल हम लोग आने वाले वैकेंसी सेशन में अभी लेने वाले हैं, ओके, एक एक करके। चलिए अब जो इंटरेक्शन हम लोग देखेंगे तो उसकी लिस्ट पहले देखते हैं और कुछ एग्जांपल एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है अभी, तो आपको म्यूचुअलिज्म पढ़ना है, कॉम्पिटिशन पढ़ना है, प्रेडेशन पढ़ना है, पैरासिटिज्म पढ़ना है, कॉमेंसलिज्म पढ़ना है, और फिर हम लोग अमेंसलिज्म को भी टच करेंगे। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज, अभी देखिए स्पीशीज की जगह पे मैं पार्टनर भी लिख सकता हूँ, ओके, पार्टनर भी लिख सकता हूँ, तो पार्टनर ए पार्टनर बी, ओके, क्योंकि इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के पार्टनर है, भले बाद में झगड़ा हो उनके साथ या दोनों की दोस्ती हो अच्छी, या किसी एक को फायदा हो रहा है दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसके लिए एकेंसी पार्टनर भी बोल सकते हैं, पार्टनर ए पार्टनर बी। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है। तो उसका एक एग्जांपल अगर लेंगे, एल्गी जो है, एल्गी वो फंगस के साथ ग्रो करता है, फंगस के साथ, और उससे जो इंटरेक्शन बनता है, उससे जो इंटरेक्शन बनता है, उससे जो एक कॉमन बॉडी बनता है, उसी को हमें मालूम है उसे लाइकिन कहा जाता है, इजंट इट। कंपटीशन में दोनों के दोनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के लिए कॉमन, किसी कॉमन रिसोर्स के लिए, फूड के लिए झगड़ा कर रहे हैं, तो उन दोनों को नुकसान होता है। जैसे लायन जो है और लेपर्ड एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, बिकॉज दोनों के फूड कॉमन रहते हैं, और अगर लेपर्ड और लायन एक ही जगह पे आ गए जहाँ पे उनका शिकार है, तो सबसे पहले वो एक दूसरे को क्या करते हैं, मारपीट करते हैं। और जनरली इसमें होता है क्या है कि लेपर्ड मारा जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इसके लिए लायन को किंग ऑफ जंगल कहा जाता है। फिर प्रेडेशन में क्या होता है कि वन पार्टनर जिसे प्रेडेटर कहते हैं,
से बेनिफिट होता है, दूसरे को हार्म होता है। तो प्रेडेटर मतलब शिकारी को फायदा हो रहा है और उसका प्रे को वो एज ए फूड कंज्यूम कर रहा है। इसमें वो सारे भाई सेम लेते हैं लाइन और आपका वार्ड डियर। देखो आप अपने भी एग्जांपल लेके किसी भी टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पैरासिटिक में क्या होता है कि वन पैरासाइट इज बेनिफिट, वन पार्टनर जो पैरासाइट है, तो यहाँ पे वन ऑफ द मेंबर इज पैरासाइट, इसको हो रहा है बेनिफिट और दूसरे को हार्म हो रहा है। जिसे हार्म हो रहा है उसे होस्ट कहते हैं। जैसे आपका एस कैरिस वर्म, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहने वाला एक पैरासाइट है जो इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, उससे लूज मोशन होता है और सीवियर केस में इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकता है। फिर कॉमन सोलिज्म, वन इज बेनिफिटेड और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है आपका क्लाउन फिश। तो क्लाउन फिश जो है वो सी एनिमोन नाम के एक मराइन एनिमल के टेंटिकल्स के बीच में ही रहती है। तो क्लाउन फिश को फायदा होता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन सी एनिमोन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर अमेंसिलिज्म में एक को हार्म हो रहा है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। यह है बैक्टीरिया और एक फंगस, उसका नाम है पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम जो है वो केमिकल रिलीज करता है, इसकी वजह से उसके बाजू में अगर ये बैक्टीरिया आ गया तो मर जाएगा। पेनिसिलियम को बैक्टीरिया से न तो फायदा होता है न तो नुकसान होता है। ओके, तो इस तरह एक हमने विद एग्जांपल के अलग अलग इंटरेक्शंस, जिसको हम लोग अभी डिटेल में, हर एक को अभी डिटेल में विद एग्जांपल स्टडी करेंगे, वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों।